दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टाइगर 3 की पूरी एंडिंग को। तो चलिए यार दोस्तों फिल्म की शुरुआत से ही बात करते हैं। बहुत से लोगों को दोस्तों मन में ये सवाल है कि आखिरकार जोया आतिश से मिली तो मिली कैसे। जोया के फादर ISI में काम किया करते थे और वो एक अच्छे पिता होने के साथ साथ एक अच्छे एजेंट भी थे जो कि ISI के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। अब चलिए 1999 में वापस चलते हैं, यहाँ पर कि जोया और उसके फादर शांति से लंदन में रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये लोग अपनी जिंदगी अच्छी खासी बिताए रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ बहुत बुरा कुछ होने वाला था। इन लोगों को इस चीज का अंदाजा भी नहीं था। जोया और जोया के फादर कार से कहीं जाने ही वाले होते हैं, तभी जोया के फादर को ये याद आता है कि मैं टिफिन भूल चुका हूँ। और जैसे ही वो टिफिन को वापस लेने जाते हैं तो कार में हो जाता है बॉम्ब ब्लास्ट और जोया के फादर वहीं मारे जाते हैं। उसी दिन से जोया ये तय कर लेती है कि वो अपनी जो बची कुची जिंदगी है वो इंटेलिजेंस सर्विस में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती है ताकि वो नेशन के लिए कुछ कर पाए। आतिश रहमान जोया के फादर की फ्यूनरल के दौरान मिलता है, साथ ही में वो ये भी बताता है कि किस तरीके से बुरे समय में उसके फादर ने आतिश का साथ दिया था। अब यहाँ पर आतिश रहमान जोया को ये ऑफर देता है कि जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए वो ISI ज्वाइन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जोया को इतनी भी धीरज नहीं थी। वो जिस उम्र में थी जैसी भी थी बस वो ISI को तुरंत के तुरंत ज्वाइन करना चाहती। तो हाँ यार यहाँ पर आतिश रहमान ने शुरू से जोया को देखा हुआ था, एक तरीके से कह सकते हैं कि आतिश रहमान जोया का मेंटर था। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आतिश रहमान की बातों में जोया आ कैसे गई। तो भाई मैं यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर दोनों की आइडियोलॉजीज जो है वो क्लैश कर। अब दोस्तों देखा जाए तो आतिश रहमान तो शुरू से ही इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं था, वो तब से ही उखड़ा पड़ा था जब से कारगिल वॉर हुई थी और 2-4 इवेंट ऐसे हुए थे जिसमें कि पाकिस्तान की हार हुई थी। अब दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार जोया और टाइगर आतिश रहमान के साथ काम करने के लिए कैसे राजी हो गए। ऑपरेशन टाइम पास इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि मैथिली मेनन ने कंडक्ट किया था, और यहाँ पर इस मिशन का सबसे बड़ा ये एम था कि गोपी आर्या को बचाना है। ये वही आदमी है जो कि पहले भी हमको एकता टाइगर में दिख चुका है। अब यहाँ पर कैसे भी कर गोपी को उस जगह से तो निकाल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी प्लेन में ही मौत हो जाती। लेकिन मरने से पहले गोपी टाइगर को ये बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कर स्टेब्लिश होता जा रहा है और कोई एक ऐसा एजेंट है जो कि डबल गेम खेल रहा है और हो ना हो वो एक फीमेल ही। और सबसे होश उड़ा देने वाली बात दोस्तों ये होती है कि वो और कोई नहीं जोया ही होती है। फिर क्या था, टाइगर अपनी ही वाइफ को स्पाई करने लगता है और वो ये होप करता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सब गलत हो जाए। लेकिन टाइगर मनी मन ये भी सोच रहा था कि जिस लड़की पर उसने इतना ज्यादा भरोसा किया वही लड़की अब उसे धोखा देने जा रही। समय थोड़ा बीतता है और एक आंजुलर ज़िब्रान शेख के पास एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पाकिस्तान के बारे में, और ये जो आर्म्स डीलर है वो टाइगर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता, लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही उसके ऊपर वही डबल एजेंट का अटैक हो जाता। और जिस चीज का दोस्तों हमको डर था एक्चुअल में वही एंड में होता है, वो जो डबल एजेंट होती है वो कोई और नहीं जोया ही होती है। टाइगर को आतिश रहमान बंदी बना लेता है क्योंकि उसकी वाइफ का रिवेंज टाइगर से उसे लेना था। 2011 में आतिश रहमान डायरेक्टर ऑफ ISI रहता है और उसी समय पर आतिश रहमान जोया को कहता है कि तुमको जनरल को एसेसिनेट करना है। अब दोस्तों एक ऐसा समय जहाँ पर कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक होने जा रहे थे, उसी समय आतिश रहमान कुछ और ही सोच रहा था। आतिश रहमान का दोस्तों यहाँ पर ये सोचना था कि इतना सब हो जाने के बाद भी हम हिंदुस्तान से अमन और शांति की कामना क्यों करें। अब जनरल को एसेसिनेट करने से जोया तो बिल्कुल मना कर देती है, तो अब ये काम आतिश रहमान की बीवी शाहीन करती है, लेकिन टाइगर उसे मार देता है और उसी दिन से वो ये सोच लेता है कि वो टाइगर से कैसे भी कर रिवेंज लेने वाला है। फाइनली दोस्तों वो समय आ चुका है जब यहाँ पर आतिश रहमान को टाइगर से बदला लेने का मौका मिला। यहाँ पर वो समय देखते ही उसके बेटे को कस्टडी में ले लेता है और उसे एक ऐसा इंजेक्शन देता है जिसका अगर टेंटीडोट टाइम पर नहीं दिया गया तो उसके बेटे जूनियर की मौत भी हो सकती है। अब आखिरकार जोया और टाइगर को किस तरीके से पैल कोड्स मिले। एक्चुअल में आतिश रहमान न्यूक्लियर मिसाइल को एक्सेस करना चाहता था और इस मिसाइल को एक्सेस करने के लिए उसने टाइगर और जोया का इस्तेमाल किया और बड़ी चतुराई से इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही दुश्मन बना दिया। और टाइगर और जोया के पास इस कंडीशन से निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर सकते थे, आतिश रहमान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते थे। इस्तांबुल में एक ट्राइलेटरल सबमिट होने वाला था, यहाँ पर की चाइना और पाकिस्तान के बीच में मीटिंग होने वाली थी और कुछ ब्रीफ केस एक्सचेंज होने वाले थे जिसमें की पैल कोड्स थे। अब ये मिशन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन टाइगर और जोया ने इस पूरे मिशन को अंजाम दे दिया। अब कैसे भी कर वो प्रिजन से बाहर तो आ जाता है अपनी सॉफ्ट स्किल्स को यूज कर, उसे बॉम्ब बनाना आता था, लेकिन उस जेल से एस्केप करने में पठान उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। अब सारी चीजें शॉर्ट आउट होने ही वाली थी, लेकिन कैसे भी कर आतिश रहमान को उसके मकसदों में कामयाब होने से रोकना था। अब इतनी देर से जो व्यक्ति टाइगर उसकी टीम के लिए काम कर रहा था अब वो आतिश रहमान के साथ काम कर रहा था और वो व्यक्ति का नाम है अबरार। एक्चुअल में जोया और टाइगर को ये बात पहले ही पता होती है कि अबरार आतिश रहमान के साथ मिला हुआ है क्योंकि वो शाहीन का ब्रदर था। असल में दोस्तों यहाँ पर बीतता है और हमको आतिश रहमान का मेन एम समझ में आता है। आतिश रहमान चाहता था कि यहाँ पर PM का राज खत्म हो जाए और डिक्टेटरशिप चालू हो जाए, तो वो नसीरुद्दीन नारी को हमेशा के लिए हटाना चाहता था, कहने का मतलब उसको मारना चाहता था और जो भी ब्लेम है
वो टाइगर के ऊपर दे देता। अब थोड़े बहुत और एक्शन सीक्वेंसेस के बाद आतिश रहमान को रोक लिया जाता है, जिसमें कि करण, हसन और जावेद के सेक्रीफाइस के बाद ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब जिस चीज का दोस्तों आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है, आइए दोस्तों उस बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार उस पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब हो सकता है। वायर एफ एस फाइव यूनिवर्स के कर्नल लूथरा हमको दिखाई देते हैं, जो कि अपनी बैकग्राउंड वॉइस में कुछ ऐसा कहते हैं कि जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ वो किसी ऑफिसर को एक सोल्जर से मांगने का अधिकार नहीं है, ना बाप अपने बेटे से मांग सकता है, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो कबीर। तो जिस तरीके से टाइगर 3 में कुछ पर्सनल इंटेंशंस की वजह से टाइगर को अपने अंदर का टाइगर जगाना पड़ा था, हो सकता है कि यहाँ पर यही सेम चीज कर्नल लूथरा के एंगल से हो। अब कर्नल लूथरा इस चीज पे भी दबाव डालते हैं कि उसे रोकने के लिए तुम्हें भी उसी अंधेरे में जाना पड़े। यार ये अकेला एक जो डायलॉग है ना, वो कबीर की दो साइड्स को डिनोट करता है कि हो सकता है कि कबीर उस व्यक्ति को रोकने के लिए जाए, लेकिन उल्टा वो देश से ही गद्दारी कर बैठे, जिस तरीके से आपको याद होगा कि जिम ने भी की थी। साथ ही में कर्नल लूथरा ऐसे भी कहते हैं कि वो सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी जिस चीज को करने के बाद तुम खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाओ। साथ ही में कर्नल लूथरा ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। तो यार दोस्तों यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत थ्योरी तो प्रूव हो रही है, जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कबीर खुद ही विलन में तब्दील हो जाए और आने वाले समय में टाइगर की जरूरत फिर से पड़े कबीर को रोकने के लिए। साथ ही जाते जाते मेरी थ्योरी नंबर 3 ये है, टाइगर या फिर पठान अपने रास्ते से भटक जाए और कर्नल लूथरा अभी उसी की बात कर रहे हैं और टाइगर या फिर पठान इन दोनों को सुधारने का काम कबीर को दिया जाए। हो सकता है दोस्तों कबीर का हमको ये जो लुक बताया जा रहा वो उसका ओरिजिनल लुक ही हो, कहने का मतलब हो सकता है कि कबीर कभी विलन बने ही ना। लेकिन यार एक चीज बहुत ही ज्यादा गजब की देखने वाली ये रहेगी कि जब कबीर जैसा कैरेक्टर विलन में तब्दील होगा तो भाई वो कितनों का नाश करेगा आप सोच भी नहीं सकते। कबीर को जिस तरीके की टोन में रिप्रेजेंट किया गया है, एक जो लाल कलर की एक जो विलेनस टोन होती है, उससे तो भाई ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि या तो वॉर 2 में या फिर टाइगर की आने वाली इंस्टॉलमेंट में कबीर यहाँ पर विलन का ही रोल करने वाला है। तो हाँ यार टाइगर 3 की पूरी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से ये रहा। बाकी दोस्तों टाइगर 3 में जितने भी रेफरेंसेस वायर एफ यूनिवर्स की फिल्म्स के थे, हमने उसपे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इस जगह पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। और हाँ यार मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।